चलते चलते हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जो कि इतना सुंदर फ्लावर है। तो आप लोग से निवेदन है कि जब भी ट्रेन में बैठे टिकट लेके बैठे मेरे जैसे ना बैठे। क्या बोला तूने? टिकट लेके बैठे मेरे जैसे ना बैठे। पागल औरत। ये है हमारे झारखंड का संस्कृति। हेलो, तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे एक पार्क है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, रांची का सबसे खूबसूरत पार्क है ये। तो गाइस हम लोग पार्क में एंटर कर चुके हैं और बैक से आप लोगों को दिख रहा होगा कितना सुंदर व्यू है, वो है मेन गेट। तो वहाँ से हम लोग आए हैं और देखिए अभी आप लोगों को पूरा दिखाते हैं कैसा है। तो पार्क तो आ गए हैं लेकिन पार्क आके ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी है। अच्छा, अब बहुत दुख है जिंदगी में। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आधा से ज्यादा पार्क घूम लिए, घूमने के बाद पता चला कि ये पार्क ज्यादा बड़ा तो था नहीं, हो गया है मेरा पैसा बर्बाद। कुछ भी भाई, तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अगर पार्क में वैसे तो थकेंगे नहीं क्योंकि इतना बड़ा है नहीं जो आप लोग थक जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी जो लोग थोड़ा कमजोर है जो थक जाएंगे तो यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ, आके बैठ सकते हैं। तो चलते चलते हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जो कि इतना सुंदर फ्लावर है, इतना सुंदर है कि मन करा फोटो खींच लो। वैसे तो अच्छा फोटो आता नहीं है, फिल्टर से खींचेंगे। क्या बोला तूने? फिल्टर से खींचेंगे। अच्छा, और फोटो खींचने के बाद डिस्क्रिप्शन जो भी हो व्हाटएवर डाल देंगे वहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से और एक थो लाइक कर दीजिएगा। एक थो लाइक में क्या ही जाएगा, एक लाइक कर देना प्लीज। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। हमारे झारखंड का संस्कृति जो कि यहाँ पे एक लेडी है, इसमें क्या किया जाता था पुराने जमाने में, पहले के जमाने में मशीन नहीं हुआ करता था तो हम लोग इसको ना ढेकी बोलते हैं, ढेकी जो कि यहाँ पे ऐसे पैर से करने पे अंदर में चावल डालने से और उधर इतना सुंदर ऐसे पिक्चर बना हुआ है। लोग कितना ज्यादा टैलेंटेड होंगे, हिडन टैलेंट है या पता नहीं कौन सा टैलेंट है, इतना सुंदर सुंदर पूरा बना कर रखे आज तक। हमको तो ड्राइंग में हमको शेप भी बनाने नहीं आता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है पहाड़ का। ये टैलेंट सिर्फ हमारे झारखंड के लोगों को होता है, स्पेशली रांची के लोगों को। इतना खूबसूरत बनाया है, वो लोग कहाँ से लाते हैं ऐसा टैलेंट? भगवान मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं दिया। एक तो वीडियो एक दो को बना लेते उसमें भी आप लोग देखते नहीं है, व्यूज नहीं आता, क्या टैलेंट ऐसे हमको जिंदगी में पता ही नहीं चला। तो देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे जो कि पहाड़ बना दिए, पहाड़ के अंदर घर बना दिए हैं। चलते चलते हम आ चुके हैं यहाँ ट्रेन, देखिए कितना सुंदर ट्रेन है, ट्रेन का पटरी भी है नीचे में। लेकिन एक बात से बहुत दुख हुआ कि ये ट्रेन तो मेरा रांची टू चंद्रपुरा से भी महंगा है। रांची का चंद्रपुरा से हम 60 रुपए में पहुंच जाते थे लेकिन ये ट्रेन बहुत ज्यादा महंगा दे रहा है। ये हमारे झारखंड के महापुरुष है सिंधु कानू, जिनके नाम से ये पार्क है। 2000 years later. फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है अभी। सर होमवर्क दिए हैं, 3 दिन से होमवर्क नहीं बनाए हैं। रोज सर बोलते हैं कि होमवर्क कब बनाएगा सुप्रिया, कब बनाइएगा। अब क्या बोले सर को, सर मन ही नहीं करता है, ब्लॉग बनाने का मन करता है, वीडियो बनाने का मन करता है, ना वीडियो ढंग से बन रहा है ना पढ़ाई ढंग से हो रहा है।
जब से रांची मम्मी पापा भेजे है रांची की बेटा पढ़ लिख के कुछ बन के आना, और बेटा यहाँ क्या कर रहा है, वीडियो बना रहे। क्यों दिया दर्द हमें हम आज तलक ना सुन। मेरी मम्मी बोलती है ना कि तुम बहुत गलती करती हो, बहुत ज्यादा, तुम इतना जितना गलती तुम करती हो ना आज कल कोई नहीं किया होगा। ऐसे भी अक्सर माँ बाप को अपने से ज्यादा दूसरों के ही बच्चों से ज्यादा प्यार रहता है, तो मेरी मम्मी को कौन समझाएगा। आप लोग समझा देना कि लोग गलती से ही सीखते हैं, इसीलिए मैं बहुत गलती करती हूँ, क्योंकि गलती करूंगी तब मैं सीखूंगी। आने वाले टाइम में आप लोग और बड़ा बड़ा गलती देखने को मिलेगा, ताकि बड़ा बड़ा चीज सीखे और सीखे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये है सुंदर सा तालाब, सुंदर सा पानी, तालाब में सुंदर सा पानी, जो कि इसी पानी से ये पूरा पार्क में पटाया जाता है पानी। पर जो मेरे से जलते हैं, मेरे हेटर्स लोग, वो आके यहाँ पे अपना जान दे सकते हैं। तो वो ट्रेन था वहाँ पे जो चल के जा चुका है वहाँ पे, और यहाँ पे कटता है टिकट। तो आप लोग से निवेदन है कि जब भी ट्रेन में बैठे टिकट लेके बैठे, मेरे जैसे ना बैठे। गजब आदमी है यार। आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा तो ये ब्लॉग था नहीं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसका चार्जिंग आप लोग को बता देते हैं कितना था एंट्री फी। एंट्री फी बहुत ज्यादा, 15,000। कुछ भी 15 रुपया, 15,000 रहता तो अभी हम यहाँ रहते, 15,000 रहता तो कहाँ रहते, पता नहीं कहाँ रहते। 15 रुपया। तो आप लोग जरूर आइएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है, तो देख ही लिया हमें कितना अच्छा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए प्लीज।